हाँ जी, उससे नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपने ये ब्लू कलर यहाँ पे कर दिया, उससे नेक्स्ट है जी इवन नंबर, आपने देखना है 100, 100 से बड़ा हो लेकिन 300 से छोटा हो, ठीक है। आपने इवन नंबर अब देखना है जो 100 से बड़ा और 300 से छोटा, उसमें आपने पर्पल कलर करना है। इवन से इवन नंबर देखना है जी 100 से, आपने जो है वो बड़ा देखना है और 300 से छोटा। यहाँ पे देखिए एक ये है, ये इवन नंबर है जो कि 100 से बड़ा है 300 से छोटा है, इसमें आपने पर्पल कलर कर देना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट आप देखिए ये देखिए 100 से बड़ा और 300 से छोटा इवन नंबर, इसमें भी आपने पर्पल कलर कर देना है। उससे ये देखिए 100 से बड़ा और 300 से छोटा, ये है आपका इवन नंबर, इसमें भी आपने पर्पल कलर कर देना है। उससे नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखिए, और ये देखिए 100 से बड़ा और 300 से छोटा इवन नंबर, इसमें भी आपने पर्पल कलर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑड नंबर है जो कि 300 से बड़ा होना चाहिए, 300 से बड़ा, उसमें ऑरेंज कलर करना है आपने। 300 से बड़ा ऑड नंबर, इसमें आपने ऑरेंज कलर करना है। यहाँ पे देखिए 300 से बड़ा है एक, ये देखिए इसमें आपने ऑरेंज कलर करना है, ऑड नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑड नंबर है जो कि 300 से बड़ा है, और ये आपने इसमें भी ऑरेंज कलर करना है। नेक्स्ट ये 300 से बड़ा ऑड नंबर है, इसमें भी आपने ऑरेंज कलर करना है। उसके अलावा 300 से बड़ा ऑड नंबर यहाँ पे ये है जी, 300 से बड़ा ऑड नंबर, यहाँ पे भी आपने कौन सा कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर देखें जो 300 से बड़ा हो, ठीक है, 300 से बड़ा इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर देखें, उसके अंदर आपने पिंक कलर करना है, तो यहाँ पे जो है वो इवन नंबर जो है वो 300 से बड़ा एक ये है, इसके अंदर आपने पिंक कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, ये देखिए 300 से बड़ा इवन नंबर, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, पिंक कलर करना है। ये देखिए 300 से बड़ा इवन नंबर, इसमें भी आपने पिंक कलर करना है, ठीक है। और ये भी, इसमें भी आपने पिंक कलर करना था, ये और इवन नंबर है 300 से बड़ा। अब देखिए वो कह रहे हैं कि व्हाट एरिया इज़ लेफ्ट वाई, तो हमें कौन सी चीज़, कौन सा नहीं मिला, ग्रीन कलर वाला एरिया यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे ऑड नंबर जो है 100 से लेस, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर ऑड नहीं है जो 100 से छोटा हो, मतलब हमारा ग्रीन कलर जो है वो नहीं हुआ, तो ग्रीन कलर जो है वो वाला एरिया लेफ्ट है वो रह गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर जो है वो 100 से लेस नहीं है इसी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, आप यहाँ पे दोबारा सर्च करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 से लेस वाला कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। 100 से बड़े हैं, 100 से बड़े इवन नंबर हैं, 100 से जो है वो बड़े नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं, तो लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर, लेस वाला ऑड नंबर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर होता तो हम इनमें ग्रीन कलर भी करते हैं, तो आपने इनमें पेंसिल कलर करने हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे करके पेंसिल कलर आपने इनके अंदर करने हैं, ठीक है। तो आंसर्स के अंदर जस्ट करने, ये बॉक्स के अंदर आपने कलर करने हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा बॉक्स में नहीं करना, बल्कि ये सिर्फ आंसर वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने कलर इसका कर देना है, ठीक है। जो जो आपको कलर मैंने बताए हैं यहाँ पे करने हैं आपने, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस में भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको तभी आएगी जब आपके, आपको टेबल आते होंगे, तो कम अज़ कम आपको, कम अज़ कम जो है वो आपको टेबल जो है वो 10 तक ज़रूर आने चाहिए, 10 तक टेबल आपको ज़रूर आने चाहिए, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह में कोई मसला ना हो, ठीक है। मल्टीप्लाई का आप एक क्वेश्चन भी बगैर टेबल याद किए सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी ने टेबल याद नहीं किए, तो साथ साथ टेबल को याद करें, ठीक है। पिछले पेजेस जो हैं वो टेबल्स वाले ही थे, और आपको टेबल्स याद हो जाने चाहिए थे उनको कंप्लीट करते करते, लेकिन अगर फिर भी किसी ने नहीं किए, तो अच्छे तरीके से टेबल को याद करें, टेबल के बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।